जयंत बच्चों, आज आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान हिंदी माध्यम NCERT बुक के अध्याय 2 परमाणु की संरचना का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और परमाणु की संरचना में आज हम लोग परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें कि प्रारंभ में वैज्ञानिकों को यह पता नहीं था कि परमाणु का आकार कैसा होता है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, परमाणु की आकृति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है कि नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर काटता है, प्रोटॉन की क्या स्थिति होती है, न्यूट्रॉन की क्या स्थिति होती है, ये वैज्ञानिकों को पहले ज्ञात नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने परमाणु के संबंध में मॉडल का मतलब होता है नमूना पेश किया और परमाणु के मुख्यतया 4 परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिसमें सबसे पहला परमाणु मॉडल था टॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर पढ़ेंगे आप बोर का परमाणु मॉडल और फिर सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल। ये 4 परमाणु मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में और टॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखें, सन 1904 ईस्वी में रसायनज्ञ जे.जे. टॉमसन, इनका पूरा नाम जे.जे. टॉमसन था, रसायनज्ञ जे.जे. टॉमसन ने परमाणु के संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे परमाणु मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म, एक तो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है, और अति सूक्ष्म का मतलब बहुत ही छोटा होता है, यानी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो टॉमसन ने ये बतलाया कि परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है, अति सूक्ष्म होता है लेकिन परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार गोलाकार होता है और इस पर धन आवेश का तात्पर्य प्रोटॉन से होगा, इस पर धन आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैले होते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हम टॉमसन का परमाणु मॉडल बता रहा हूँ। टॉमसन ने जो सबसे पहले परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था उस परमाणु मॉडल के अनुसार, तो परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है और धन आवेश उस पर चारों तरफ एक समान रूप से फैले होते हैं और ऋण आवेश का तात्पर्य यहाँ इलेक्ट्रॉन से होगा। ऋण आवेश इसमें ऐसे धसे होते हैं जैसे तरबूजे में तरबूजे का बीज धसा होता है। तरबूजे का सीजन है, तरबूजा खा करके देखे होंगे कि तरबूजे का बीज कैसे धसा होता है। बहुत लोग तरबूजा खरबूजा में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। तो तरबूज उसको कहते हैं जो ऊपर से हरा होता है और अंदर लाल होता है, उसके अंदर काले काले बीज होते हैं, तरबूज उसी को कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं जैसे तरबूजे में तरबूजे का बीज धसा होता है। यही कारण है कि टॉमसन के परमाणु मॉडल को टॉमसन का तरबूज मॉडल कहा गया। ये आपसे पूछा जाता है कि टॉमसन के परमाणु मॉडल को टॉमसन का तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, तो ये टॉमसन का तरबूज मॉडल यानी टॉमसन का परमाणु मॉडल रहा। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे ही टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, लगभग 9 साल तक
एक वैज्ञानिक थे जिनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, भगवान की उपाधि दी गई थी, रदरफोर्ड, जिसको अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी हम कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये जो टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, टॉमसन के परमाणु मॉडल का अध्ययन लगभग 9 सालों तक किए। देखें, जैसा कि मनुष्य की प्रकृति होती है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई नया काम करता है तो 50 लोग होते हैं उसकी कमी निकालने के लिए, तो जैसे ही टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, अब टॉमसन के परमाणु मॉडल के चक्कर में पड़ गए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड इनके परमाणु मॉडल में कमी निकालने लगे। लगभग 9 साल तक टॉमसन के परमाणु मॉडल का अध्ययन रदरफोर्ड ने किया, और अध्ययन के बाद एक प्रश्न पूछा किससे, तो रदरफोर्ड ने पूछा टॉमसन से कि जितने भी परमाणु होते हैं, परमाणु से सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, परमाणु ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं या जितने भी सजीव या निर्जीव प्राणी हैं, उससे हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। हमारे भी शरीर से, आपके शरीर से भी ऊर्जा का ह्रास होता है, तभी तो हम थक जाते हैं। ऊर्जा का ह्रास बैठे बैठे ऊर्जा का ह्रास होता है, बैठे बैठे थक जाते हैं, सोए सोए थक जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और यह ऊर्जा प्रकाश के पतली पतली रेखाओं के रूप में निकलता है, और प्रकाश की इन पतली पतली रेखाओं का नाम स्पेक्ट्रम रखा गया। तो फिर रदरफोर्ड ने टॉमसन से ये पूछा कि यह बतलाइए कि ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, ये स्पेक्ट्रम परमाणु के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो इसकी व्याख्या जे टॉमसन नहीं कर पाए, यानी टॉमसन ये नहीं बतला पाए कि ये स्पेक्ट्रम परमाणु के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ये टॉमसन के परमाणु मॉडल की एक और सबसे बड़ी कमी थी। इसके बाद 9 साल के बाद, चूंकि टॉमसन इस परमाणु मॉडल की व्याख्या, यानी टॉमसन अपने परमाणु मॉडल के कमी की व्याख्या नहीं कर पाए, तो इनकी कमी की व्याख्या करने के लिए 9 साल के बाद, 9 साल नहीं बल्कि लगभग, हम आपको बता दें कि लगभग 7 साल तक अध्ययन किए थे, और 7 साल के अध्ययन के बाद यानी 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो आज हम लोग टॉमसन का परमाणु मॉडल और टॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी को हम लोग देखें। ये टॉमसन का परमाणु मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है कि टॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप इसको अच्छी तरह से समझें और तैयार करें। हमें उम्मीद है कि आज हम आपको जितनी भी बातें बताए हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।